तो आज अपने चैलेंज का तीसरा दिन है, ठीक है। तो आज का अपना ओपनिंग बैलेंस देख लो, $17 है, और अपना टारगेट जो है वो $5 है। तो अपना ओपनिंग बैलेंस जो है उसको मैं सेकंड एक्सेल शीट में टाइप कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लो अपना ये वाला कल का रिजल्ट है, बैक टू बैक 3 विन हुआ था और ओनली वन लॉस था। तो यहाँ पे $17 सबसे पहले तो अपना और टाइप कर देते ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और ये वाला जो है उसको एक बार हटा दे, ठीक है। तो देखो जो लोग न्यू है चैनल पे उनको बता देते हैं कि अब हमने जो $10 से $25,000 का चैलेंज लो लिया है, तो उसका ये तीसरा वीडियो है। अगर पहले दो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे तो सबसे पहले जाके वो वाले वीडियो चेक कर लो, वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे इसको कंप्लीट करने वाले हैं हम, ये पूरा उसका प्लानिंग है। तो जिसको भी ये वाला सीट चाहिए वो मेरे से टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। और देखो टेलीग्राम पे अपना वीआईपी ग्रुप में 90% एक्यूरेसी वाले सिग्नल भी फ्री मिल जाते हैं फ्री में। तो जो लोग कोटेक्स में ज्वाइन नहीं हुआ वो हमारे एक दिन से ज्वाइन करके मैसेज कर देना मेरे को, आपका लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम में। तो आज का ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट करते, तो देख लो मैंने टाइप तो कर दिया यहाँ पे अपना कैपिटल जो भी है। तो पहले ट्रेड का अमाउंट है $2, तो $2 यहाँ पे लिख दे दे कोटेक्स में, ठीक है। तो $2 यहाँ पे टाइप कर दिया। अभी देखो अपन इंडिकेटर पे ट्रेड करते, इंडिकेटर का यूज़ करते और प्राइस एक्शन पे भी करते तो थोड़ा हेल्प हो जाता है। तो देखो यूरो जीबीपी के अंदर अपने को डाउन डायरेक्शन का सिग्नल यहाँ से मिला था, बट कैंडल हो गई चेंज, तो दूसरे पेयर को चेक करते यहाँ पे। ओके, तो देखो यूरो जीबीपी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो एक लेवल पे आने के बाद मार्केट डाउन डायरेक्शन के लिए सिग्नल अपने को दे रहा है, ठीक है। तो डाउन के पूरे चांसेस है यहाँ पे, तो मैं डाउन के लिए जाने वाला हूँ, तो एक बार वेट कर लो, ठीक है। देखो मैं डाउन के लिए गया लेकिन गैप अप ओपनिंग हुआ कैंडल का, सिग्नल भी यहाँ पे देख लो इंडिकेटर ने डाउन का सिग्नल दे दिया यहाँ से, और मैं डाउन के लिए प्लेस भी कर दिया ट्रेड। तो भी देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। देखो गैप अप ओपनिंग हुआ है, देखो कैंडल ये वाली जो कैंडल है वो डोजी क्रिएट करेगी, यहाँ पे क्लोज हुई, उसके बाद ये जो कैंडल है ऊपर क्लोज हुई है। तो देखो ऊपर नीचे हो सकता है, ये लॉस भी जा सकता है, बिकॉज देखो गैप अप ओपनिंग होता है तो थोड़ा हो जाता है। बट अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एक्स्ट्रा चिप में और पहले से ही टाइप कर देंगे कैपिटल एल, ताकि लॉस होने पे नेक्स्ट ट्रेड पता चले। तो नेक्स्ट ट्रेड 4.63 दिखा रहा है, यानी कि मैं $5 का ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो $5 का ट्रेड प्लेस करेंगे, इसका अगर लॉस जाता है तो तब तक के लिए कहीं पे सिग्नल देख लेते एक बार। सिग्नल यूरो जीबीपी का ही दिखा रहा है डाउन के लिए, तो उसी में करेंगे। रुक जाओ यार, क्या आ रहा है बीच में, ठीक है। तो मार्टिंगल मैंने देखो मार्टिंगल प्लेस कर दिया $5 के साथ, अपना दिखा रहा था 4 पॉइंट करीब ऊपर था, ठीक है। तो मैंने $5 का प्लेस कर दिया, बिकॉज अपना जो बैलेंस है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। वैसे अपना जो कैलकुलेशन है वो 82% वाला है, बट यहाँ पे 87% मिल रहा है, उस हिसाब से अपने अमाउंट थोड़ा ग्रो हो गया, ठीक है। तो अच्छी बात है, अपने को थोड़ा हेल्प होगा ज़्यादा जल्दी ग्रो करने में। तो अपना देखो ये वाला तो इजीली आइटम हो जाना चाहिए, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी दिखाया था, इसका रिजल्ट 90% एक्यूरेसी के साथ, और इंडिकेटर जो अपना वो प्रॉपर वर्क करता है, जिन लोगों ने लिया है उनको पता है। देखो सारे यहाँ पे बैक हिस्ट्री देख लो पूरा, पहले तो यहाँ पे देखो बैक टू बैक सारे विनिंग सिग्नल दे रहा है यहाँ पे देख लो, और मार्टिंगल के साथ काउंट किया जाए तो 100% एक्यूरेसी दे रहा है अभी के लिए। बाकी बाद में क्या होगा देखा नहीं जाएगा, जब तक इसके लॉस कवर करना है तो आके ले जाओ फ्री में, बस आपको अकाउंट क्रिएट करना है, मेरे को ट्रेडर आईडी भेजना है और आप ले सकते हो ये वाला इंडिकेटर फ्री में, और वीआईपी में साथ में ज्वाइन कर लूँगा तो दोनों फ़ायदा आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। ओनली अकाउंट क्रिएट करने पे बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं। तो अपना ये वाला आईटीएम हो चुका है, नेक्स्ट ट्रेड का अमाउंट दिखाए $2, तो $2 यहाँ पे टाइप कर देंगे, $2 मैंने टाइप कर दिया। अभी नेक्स्ट देखते हैं सिग्नल अगर कुछ मिला है तो, अदरवाइज अपन खुद ट्रेड कर लेंगे। तो सिग्नल कुछ नहीं है तो अपना पहले एनालाइज करते हैं। अरे यार यहाँ पे चांस था देख लो, यहाँ पे मैं अप के लिए जा सकता था, बट कैंडल हो चुका है ऑलमोस्ट, टाइम खत्म, तो अभी नहीं जा सकते। तो यहाँ पे मैं अप के लिए प्लेस कर देता, देखो ये अभी लॉस दिखा रहा है, बट देखते लास्ट में क्या होता है, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से अप के लिए जाना ही चाहिए, अगर ये देखो रेड क्लोजिंग देता है इस लाइन के ऊपर तो मैं जो नेक्स्ट ट्रेड है वो अप डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दूंगा, बट देखो ये काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट के साथ नीचे आ रहा है, तो ऐसे में ट्रेड करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो इसको छोड़ दो अभी के लिए। सिग्नल एक बार फिर से चेक कर लेते हैं,
तो सिग्नल मिल चुका है यूरो जेपीवाई में डाउन डायरेक्शन के लिए, तो यूरो जेपीवाई में डाउन के लिए जाएंगे। रुक जाओ थोड़ा, एंट्री बेटर मिले तभी प्लेस करेंगे, लेवल लेवल प्लेस कर देते यहाँ पे। ओके देखो एंट्री तो मिल चुका है, एंट्री ठीक ठाक एंट्री है। और अपना यहाँ पे देखो लेवल भी है एक, देखो यहाँ पे कैंडल, ये वाले कैंडल रिजेक्ट हुए, उसके बाद ये वाले सारा जो कैंडल है वो एक ही लेवल से रिजेक्ट हुआ है, यानी कि प्रॉपर लेवल पे ही अपने को सिग्नल मिला है, जो कि सिग्नल ये वाला जो इंडिकेटर है वो प्रॉपर ही दे रहा है। ठीक है, तो आईटीएम तो इजीली हो जाना चाहिए, अगर नहीं गया तो मार्टिंगल के साथ तो आईटीएम हो ही जाता है। तो देख लो अपना एक बार, तब तक टेलीग्राम दिखा देते हैं। देखो ये कल का रिजल्ट है सारा वीआईपी ग्रुप का, बैक टू बैक विनिंग होता है, ओनली वन लॉस था 90% एक्यूरेसी के साथ। तो अपना लॉस अगर कवर करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, और नीचे लिंक भी मैंने दे रखा है, बस आपको अकाउंट क्रिएट करना है, मिनिमम $10 डिपॉजिट करना है, ट्रेड आईडी मुझे भेज सकते हो, उसके बाद आप हो जाओगे वीआईपी में ज्वाइन और आपका लॉस रिकवर हो सकता है। तो देखो ये अपना आईटीएम हो चुका है। ठीक है, तो इसको कर देते हैं सबसे पहले कैपिटल डब्ल्यू, यानी कि विन हो चुका है। तो अभी एक ही ट्रेड बाकी है, अपने को टोटल 3 ट्रेड विन करने पड़ते हैं डेली, तब जाके अपना 30 डेज के अंदर $10 जो है वो $25,000 तक पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट ट्रेड का अमाउंट $2 दिखा रहा है, $2.5 है, बट $2 के साथ जाऊंगा। ठीक है, मैं जितना हो रिस्क कम लिया करो ताकि लॉस कवर हो जाए। तो नेक्स्ट ट्रेड अगर देखा जाए तो यूरो यूएसडी में अप के लिए सिग्नल मिल रहा है, देख लो अप का सिग्नल यहाँ पे है, और एक बार जीबीपी पे चेक कर लेते हैं। ओके देखो यूरो जीबीपी के अंदर सिग्नल मिला था, बट कैंडल जो है वो ग्रीन बन चुका है, यानी कि अपन मार्टिंगल के लिए यूरो जीबीपी में जा सकते हैं। ये वाला कैंडल जो है वो एरर कैंडल है, यानी कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो डाउन जाना चाहिए। तो भी यहाँ पे डाउन के लिए मैं प्लेस कर दूंगा। ओके देखो एक बार फिर से, ठीक है देखो अपने को सिग्नल कहाँ पे मिला, इस कैंडल में, ये वाला जो कैंडल है वो रेड बनना चाहिए था, बट नहीं, ये वाला अपना ग्रीन बना, यानी कि ये जो अभी कैंडल लाइव चल रहा है वो रेड बनेगा इसका मार्टिंगल। ठीक है, मार्टिंगल यानी कि जो भी अपना लॉस होता है तो सेकंड कैंडल में अपन ट्रेड प्लेस करते हैं डबल अमाउंट के साथ, उसको मार्टिंगल बोलते हैं, बट अपना तो पहला ही ट्रेड है। ठीक है, $2 का, तो अपना तो आईटीएम हो जाना चाहिए सिग्नल के हिसाब से, बट देखो फ्लक्चुएशन देख लो, अचानक से ऊपर नीचे होने लगा है देख लो, बट आईटीएम तो मेरे हिसाब से हो ही जाएगा। देख लो कि इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, कोई कोई दिक्कत नहीं, अगर लॉस गया तो मैं कवर कर लूँगा, पता है आप लोगों को। ठीक है, देख लो अचानक यहाँ से आज यहाँ तक कैंडल जा रहा है, यानी कि फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का है। देखो लास्ट के सेकंड में कैंडल ऊपर चला गया, देख ले यार ना, लास्ट के एक ही सेकंड में कैंडल पूरा ऊपर चला गया और अपना ये वाला लॉस चला गया। तो कोई दिक्कत नहीं, उसको कवर कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट ट्रेड का अमाउंट दिख रहा है $5, तो $5 यहाँ पे टाइप कर दो, $5 के साथ अभी ट्रेड प्लेस करने वाले। यूरो यूएसडी में अप का चांस है, सिग्नल मिल चुका है, और यूरो जेपीवाई में भी सिग्नल मिल चुका है अप के लिए, बट टाइमिंग देख लो, टाइमिंग हो चुका है ख़त्म, दोनों में सिग्नल था, यूरो यूएसडी भी था। देख लो यहाँ पे इसका मार्टिंगल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने वाला था, और यहाँ पे ग्रीन बन भी रहा है, बट अपने एंट्री नहीं ले पाए, यहाँ पे फ्लक्चुएशन भी नहीं है, ओनली सही मार्केट चल रहा है, और यूरो जेपीवाई के अंदर भी सिग्नल था देख लो। तो देख लेते हैं, अगर चांस मिला तो ले लेंगे यूरो जेपीआई को, एक बार एनालाइज कर लो, तो लेवल कहीं अगर बीच में नहीं आ रहा तो प्लेस करेंगे यहाँ पे। देख लो चांसेस तो पूरे लग रहे हैं मुझे अप के, तो प्लेस कर दिया मैंने अप के लिए। देखो गलत एंट्री लग गया अपना। ठीक है, तो बैक टू बैक अगर मेरा 3 लॉस जाता है तब जाके अपना जो है वो अमाउंट खाली होगा, बट देखो यहाँ पे एक चीज अच्छी है, लॉस होगा तो ऑनली $10 का, बट अगर देखो सक्सेसफुल सीरीज कंप्लीट कर लिया नॉलेज के दम पे, बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाएगा आप लोगों का। देख लो यहाँ पे $25,000, अब ट्रेड अपना चल रहा है, कैंडल आई थिंक ग्रीन ही बन जाएगा, बट अपना लॉस जा सकता है बिकॉज एंट्री बहुत ही ज़्यादा गलत लगा है, बट कोई नहीं, कॉन्फिडेंस रखेंगे उसके साथ ट्रेड करेंगे अपन, उसको कवर कर लेंगे, नेक्स्ट जो है उसको अच्छे से करेंगे ट्रेड। देख लो अपना जहाँ पे एंट्री है वहीं पे कैंडल चल रहा है, बट मेरे हिसाब से कैंडल और भी ज़्यादा ऊपर तो जाना चाहिए। मैंने देखो कैंडल अपना ट्रेड प्लेस करने से पहले लेवल प्लेस किया, और परफेक्ट उसी लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है, देख सकते हो लाइव। ठीक है,
कोई वॉइस ओवर नहीं, जो भी चल रहा है लाइव चल रहा है। देख लो जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया रिजेक्शन परफेक्ट वहीं से आया, यानी कि अपना जो एनालाइज है वो परफेक्ट है। ठीक है, तो अपना हो चुका है ये वाला ट्रेड आईटीएम, और अपन ने 3 ट्रेड विन कर लिए, और अपना आज का टारगेट जो था वो डन हो चुका है। तो जाते हैं यहाँ पे, और डे 3 है उसको कर देंगे ग्रीन। तो अपना डे 3 भी कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। तो इसी बात की वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना अपना जो भी कमेंट है, जो भी राय देना चाहते हो आप लोग। ठीक है, और सपोर्ट इस सीरीज में अच्छा खासा दिखाना, जितना हार्ड है सीरीज उसको कंप्लीट करना उतना हार्ड सपोर्ट दिखा भी करो। ठीक है, तो वीडियो को यही पे एंड कर दो, और जिसको देख पर देख लो अपना इंडिकेटर चाहिए अच्छा खासा एक्यूरेसी, वो लोग आके टेलीग्राम पे आ जाओ, अपना जस्ट अकाउंट क्रिएट करो और लिंक दे रखा है यहाँ पे टेलीग्राम में, पिन कर रखा है मैसेज, और मेरे को ट्रेडर आईडी भेज देना। छोटा अमाउंट डिपॉजिट भी कर सकते हो $10, तो मैं आपको VIP में भी ज्वाइन कर लूँ, और ये जो एक्सेल सीट है दोनों वो भी मिल जाएगी, साथ में आप लोगों को इंडिकेटर भी मिल जाएगा फ्री में, लॉस कवर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपना कल के वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।